हेलो जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? आज हम आपके लिए फिर एक बहुत ही यमी रेसिपी लेके आए हैं। चने हम इसको नॉर्मल वैसे ही पानी डाल के उबाल लेंगे, नमक डाल के। बस इसको हमने कर दिया है ट्रे में स्प्रेड। एयर फ्रायर में भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। हम डीप फ्राई नहीं करेंगे यार, डीप फ्राई से तो हम बहुत दूर दूर भागते हैं, सीधी सी बात है। अब इसमें हमने स्प्रेड किया है नमक, लाल मिर्च, थोड़े से ऑयल। हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे सौते, और इसको हम आप ओवन में इसको क्रिस्प करने के लिए भी रख सकते हैं, एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई मत करना जी। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे रोस्ट। ये हो गए हैं क्रिस्पी, मतलब यार ये इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची हैं, ये तो आप शाम को चाय के साथ मंच कर सकते हैं, और इसको डब्बे पर बना के सुबह सेट करके रख दिया। पर हम आज इसका बना रहे हैं सैलड, बहुत इजी सैलड्स। हमने सारी वेजेस ले ली हैं, जो भी वेजेस आपको पसंद है वो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे कैबेज, कुकुम्बर, चेरी टोमेटोज ये सारे लिए हैं, और बस अब हम डालेंगे लेमन जूस। कोई भी चाट बिना लेमन जूस के रेडी ही नहीं हो सकती। बस उस पर डालेंगे चाट मसाला, पीसा जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप जो भी स्पाइसेस, जो भी ड्रेसिंग्स इसको देना चाहते हैं वो आप इसको दे दीजिए। अब इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा, मैंने डाली है बाद में इमली की चटनी और हरी चटनी। इसका टेस्ट तो कमाल का तैयार होगा, सारी चाट्स बाकी इसके ऊपर फेल है, मतलब कमाल की। आप चने, बॉयल्ड चने की चाट तो आप खाते ही होंगे, पर ये क्रिस्पी चने की चाट बहुत ही टेस्टी और यूनिक है। प्लीज़ बनाना और मुझे भी बताना। थैंक यू जी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।